हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे एक नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। और पहले आपको पास्ट और प्रेजेंट देखना है, डायरेक्टली फ्यूचर देखने के लिए मत जाओ। आपको नहीं समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है, गाइड कर यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, इनकी लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, या आपके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन, इस वक्त रिवर्स की लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। पहले करंट के कार्ड निकलते हैं, ठीक है, लेकिन रीड हम पहले पास्ट ही करेंगे। या आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है, इनके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ है, इनके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ है, इनके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ है, ये आपके रिश्ते का पास्ट है, आपके रिश्ते का पास्ट, इनके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, इनके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज बताएं, ये आपके रिश्ते का पास्ट है। इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन, 1 महीना। ठीक है, इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या है, अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ये नियर फ्यूचर है आपके रिश्ते का। अगले 15-20 दिन, 1 महीना, ये इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है, फाइनल फ्यूचर में क्या होगा इस रिश्ते में, ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, ये इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। ओके, तो पहले जैसे मैंने बोला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है। ठीक है, हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल के रख देते हैं। इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए, गाइड करो यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे रेजोनेट करेगी उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने रख दिया है साइड में। तो स्टार्ट करते हैं आपके रिश्ते की पास्ट से। ठीक है, तो आपके रिश्ते की पास्ट में क्या हुआ है, यस, पास्ट में तो बहुत ज़्यादा प्यार, मिसिंग एनर्जीज, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव, लॉयल फीलिंग्स, एम्परर एम्प्रेस के एनर्जीज, जैसे कि सोलमेट कनेक्शन, एक दूसरे को कभी भी नहीं भूलने वाली एनर्जीज और ट्रू लव, राइट, एम्प्रेस है यहाँ पे। इवन आप दोनों ने शादी के सपने देखे थे, दिल से इस पर्सन के साथ एंड तक रिश्ता निभाना चाहते थे, बहुत ज्यादा अच्छा रोमांटिक टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, फिजिकल हुआ है, बहुत प्यार, लॉयल फीलिंग्स, कभी भी एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, इवन लगता था कि कभी भी ये रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी एंटर कर गई, आपके पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया, इतने सारे सपने आपने देखे, इतना प्यार आपने इस पर्सन को दिया, आपके पर्सन ने आपके सारे सपने तोड़ दिए, आपका यकीन इस पर्सन ने तोड़ दिया, नेगेटिव एनर्जीज आपको इस तरह से दी कि आप भुलाए भुला नहीं पा रहे हो, आज भी आप इस एनर्जीज में जी रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन ने एक रात में आपकी जिंदगी बदल दी, कल रात तक सब कुछ सही था और जैसे मॉर्निंग हुई आपकी जिंदगी कंप्लीट बदल चुकी थी, सब कुछ अलग, जैसे आपने सोचा था कुछ भी नहीं, आपके पर्सन आपकी जिंदगी से गायब हो गए और आप इस पर्सन का वेट करते रह गए। ठीक है, आपकी फीलिंग्स चेंज हुई ही नहीं, इवन आपके पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा ट्रू थी, आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसी एनर्जीज आपने इस रिश्ते में महसूस करी है। ठीक है, यकीन था कि चाहे जो हो जाए लेकिन ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस पर्सन ने सडनली, जैसे मैंने बोला, आपके रिश्ते से जाना, मजबूरन ये पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत खुश थे ये पर्सन, जाते टाइम आपने इनको रोकने की कोशिश भी बहुत करी, आपने अपने प्यार का वास्ता दिया, आपने जो कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुरा बोला इस पर्सन के लिए, गाली गलौज करी, इनकी इंसल्ट करी, आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन को रोकने के लिए, लेकिन ये पर्सन नहीं रुके। ठीक है, ये जा चुके आपको छोड़कर, ब्रेकअप कर नो कॉन्टेक्ट में डालकर, और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ में, डिप्रेशन में डालकर।
बहुत बुरा पास्ट है इस पर्सन ने, प्यार दिखाकर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, ये आपके रिश्ते का पास्ट है। अब हम देखते हैं इस रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। यस, जैसे मैंने बोला ये सिक्स ऑफ सोर्स फाइव ऑफ सोर्स, इस रिश्ते की पास्ट को आप दिमाग से निकालने की कोशिश बहुत करते हो, आज भी ये पास्ट आपके दिमाग से जाता नहीं है। आप जो कि यकीन नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के ऊपर और ना ही किसी और के ऊपर, आप बहुत प्यार करते थे इस पर्सन से, हो सकता है कि आप आज भी दिमाग लगा रहे हो इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, जो भी है बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं इस पर्सन से। आप इस रिश्ते में आज भी भले इतनी बुरी एनर्जीज है और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी रोमांटिक है। आपके पर्सन एरिज लियो सजिटस मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी रोमांटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और करंट में भी सिचुएशन ऐसी ही है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को पकड़ कर रखा है और इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये आपको नो कांटेक्ट में डालकर गए भी है, थोड़ी बहुत ही आपसे बात करते भी है, लेकिन उन बातों में भी आपको अपने लिए जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा। आज भी आपको बहुत हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन में आज भी हो, आज भी आप रात भर सोते नहीं हो, परेशान रहते हो, तो सोने के लिए आपको नींद की गोलियां खानी पड़ती है, ठीक है। डेथ विथ रिबर्थ है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बावजूद भी आपको इस रिश्ते में रिबर्थ चाहिए और थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स आज भी वैसे के वैसे ही है, ठीक है। आपको इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है कि इतना बुरा इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के साथ अभी खुश भी रह रहा है, लेकिन फिर भी आपको यही पर्सन चाहिए। क्यों आपको इस पर्सन से गुस्सा नहीं आता है और क्यों आपको इस पर्सन से जो कि जलसी तो होती है क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता, कुछ भी करे कैसे भी ट्रीट करे आपको ये चाहिए ही चाहिए, तो क्यों आपको ऐसी एनर्जीज महसूस होती है, तो कुछ तो है मेरा ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको ऐसा लगता है, ठीक है। इवन आपके पर्सन की एनर्जीज भी सेम है, हीरोपन था, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल थे, प्यार सच्चा था, मजबूरी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे और आप दोनों को ही करंट में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, जिस वजह से आज भी इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी एक दूसरे से कनेक्शन महसूस हो रहा है, ठीक है। अगर नियर फ्यूचर की बात करूं आपके रिश्ते की, अगले 15-20 दिन एक महीना ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, थर्ड पार्टी 100% है और ये थर्ड पार्टी में और आप में बैलेंस कैसे करें, ये टेंशन में रहेंगे कि आखिर ये करें क्या, ठीक है। बैलेंस तो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के ऊपर अपने काम में ये पर्सन बिजी रहेंगे, ठीक है। अगले 15-20 दिन एक महीना भी ये पर्सन मुझे जो कि आपको ज्यादा वैल्यू देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप भी अपने आप को अपने काम में बिजी रखोगे, अपने काम पे फोकस रहोगे, प्यार व्यार में आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मतलब किसी और रिश्ते में जाने के बारे में तो आप नहीं सोचोगे, लेकिन आपने अपने आप को संभालने की कोशिश तो अच्छे से करी है, ठीक है। आप अपने करियर फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहोगे, आपके पर्सन भी अपने करियर अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहेंगे और इनके पास भी टाइम नहीं रहेगा, मतलब टाइम होगा भी फिर भी आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। होप्स रखेंगे भले आज नहीं लेकिन फ्यूचर में मैं सब कुछ सही करूंगा, आपके पर्सन इस तरह से सही टाइम का वेट करेंगे, वर्ड है यहाँ पे। यस, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। अगले कुछ दिन 15-20 दिन एक महीना आप मुझे, जैसे मैंने बोला आप रात भर सोते नहीं हो तो आपको आपकी रातें बहुत नेगेटिव जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्टी के थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज्यादा चलेंगे, बहुत ज्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे तैसे अपने आपको संभाल कर फिर से ऑफिस जाना, काम करना, इस तरह से आपकी एनर्जीज रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन मुझे आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत बात करेंगे लेकिन आपको फिर भी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं मिलेगी, ठीक है। द वर्ड है यहाँ पे, कंप्लीशन इस रिश्ते में दोनों को लाना है, लेकिन सिचुएशन अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है और ना ही अगले एक महीने में इम्प्रूव होगी, ऐसी एनर्जीज है। तो आप दोनों अपने अपने काम में बिजी रहकर जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मिसिंग एनर्जी दोनों की रहेगी एक दूसरे के लिए, तो ऐसी एनर्जीज में आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की अगर बात करूं, यस आपके बीच 100% कंप्लीट होगी, नाइन ऑफ कप्स आया, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, आप जो इतने टाइम से तरस रहे हो, जो आपने बद्दुआएं दी, जो आपने यूनिवर्स से मांगा, जो प्रे करा आपने इस पर्सन से, जो आपने इस पर्सन के लिए प्रे किया है, जितना आपने इस पर्सन के बिना अकेले जिया है, आप इस हर एक एनर्जी से बाहर निकलोगे, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, ये पर्सन खुद जहां पर गए हैं वहां से निकलकर आपके पास आएंगे, ठीक है। इनको बहुत बर्डन अभी इनको लगने लगेगा कि बस बहुत हो गया, बहुत जी लिया दुनिया के लिए, अब जो कि मुझे मेरे प्यार के लिए जीना है, अब मुझे मेरी विश देखनी है, अब मुझे मेरी इच्छा देखनी है और मुझे मेरे प्यार को वापस लाना है, ठीक है।
ये पर्सन आपके लिए अपना दिमाग लगाएंगे। हो सकता है इनको ये लगेगा कि इन्होंने जो आपको छोड़ने का डिसीजन लिया था, या तो आपके होते हुए इन्होंने कोई थर्ड पार्टी को अपनाया था, तो ये इनको रियलाइज हो जाएगा तो इन्होंने बचपना किया था और बेवकूफी में वो डिसीजन लिया था, ये इनको रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये उस बर्डन से निकल कर आपके पास आएंगे, आपकी विश कम्प्लीट करेंगे या आपके लिए स्टैंड लेंगे। एक शेर की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आएगी और आपका रिश्ता रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी विश 100% कंप्लीट होगी, आपको इस अकेलेपन से निकाला जाएगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में आपका फिर से रियूनियन है और आप दोनों की विश कंप्लीट होगी। आपके पर्सन भले करंट में इतने मजबूर है, लेकिन फ्यूचर में इनके अंदर शेर की पावर रहेगी, आपके लिए वो कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, कुछ भी ऐसी एनर्जीज आपकी है कि हाँ बस ये पर्सन मुझे अपना ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पर्सन आपसे शादी भी करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर तो बहुत पॉजिटिव इस रिश्ते का। तो अब हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। फ्रस्ट्रेटेड, ये जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। ये जो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, ये आपका कर्मा है जो रिलीज हो रहा है। ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ कर्मा है, ये कुछ टाइम पीरियड होता है, आपको भुगतना होता है इन नेगेटिव एनर्जीज को, ये टाइम चला जाएगा और आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएगी। ठीक है, तो हार्ट ब्रोकन फील मत करो, आपको इतना रोने की जरूरत नहीं है। यस, तकलीफ होती है, रोना आता है, लेकिन अपने आप को समझाओ कि यस अब जो कि ये दिन खत्म होने वाले और जो कि खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करो। ठीक है, आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि रोना धोना बंद करो, अपना ध्यान रखो। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।